गुड मॉर्निंग गाइस, और आज देर 16 सुबह का हो रहा है, 5:19 तो निकल रहे हैं हम यहाँ से घर की ओर। रिपिन दास थोड़ा खींच देना बाइक, बाइक थोड़ा खींच देना पीछे। ओके ओके भाई, फिर मिलेंगे मणिपुर में। फिर मिलेंगे भाई, तो जब मन पर आएगा ना तब मिलेगा यार, जब मन पर आएगा ना तब मिलेंगे भाई। ठीक है, अच्छा लगा भाई तुमसे मिलके, तो चलते हैं अभी यहाँ से। बाय बाय। तो गाइस चलते हैं। अनुज भाई फिर मिलेंगे जब आएंगे तुम लोग भाई यार, अच्छा लगा मिलके, चलते हैं। तो निकल रहे हैं हम अभी होटल एंजल से और जाएंगे मणिपुर की ओर। रहे हम लोग भाइयों के साथ, अच्छा लगा भाई उन सब के मिलने के लिए, मिलके रहना जो भी हो। अरे मैं क्या करूं, 2 घंटा हो चुका है ऐसे रास्ता पे, दुष्ट तो दिखाई दे ना रहा है, पता नहीं कैमरा में दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन मैं ये कैमरा ऑन न करके क्या करूं भाई, इधर उधर तो दिख नहीं रहा। अब जब ये फोक खत्म होगा तब बनाऊंगा वीडियो, इधर में तो बना के कुछ काम होने वाला नहीं है बे। अबे फाइनली 2 घंटे, 2 घंटे से ज्यादा के बाद अभी रास्ता थोड़ा सा दिखाई दे रहा है मुझको, और निकल गया अपना धूप बाबा। तो अभी लगता है हमको थोड़ा आराम से चला पाऊंगा मैं बाइक, नहीं तो बहुत मुश्किल था बाबा, क्या करे ऐसा ही है जिंदगी। मतलब अभी फिर से स्टार्ट, क्या करें, आज बहुत मुश्किल हो रहा है भाई साहब, बहुत मुश्किल हो रहा है, कब खत्म होगा ये कोरा ही कोरा। अभी हो रहा है सुबह का 8:37 और हम लोग असम क्रॉस कर चुके हैं, अभी नागालैंड पे दिमापुर पे है। अभी मौसम तो थोड़ा अच्छा हो गया, मतलब अभी फॉग नहीं मिलता है, और यहाँ से थोड़ा हिल वाला एरिया पहाड़ी वाला रास्ता मिलेगा। क्या करे आज तो घर पहुँच ही जाएंगे हम लोग। मैं ये रास्ता बहुत बार गया लेकिन दिन में कभी नहीं आया था भाई। जब भी रात में आज फर्स्ट टाइम मैं ये रास्ते को अच्छे से देख पा रहा हूँ, जब भी मैं आता था रात में आता था भाई, टाइमिंग ही ऐसा है क्या करे, लेकिन अब तो दिन में हो गया, सुबह में हो रहा है अभी 8:57, मतलब 9 बजने वाला है। अब क्या करे, यहाँ पे इतना गड्ढे, इतना बड़ा गड्ढे पे गिर घुस गया मैं, देखो। यहाँ पे टूट गया मेरा दोनों साइड, अभी बैग को ऐसे लगाना पड़ेगा यहाँ पे खुल के, दूसरा झमेला हो गया फिर भाई, लगाते हैं अभी खुल के, अभी ऐसे फिर के इसको और निकलेंगे, फिर एक बार चलना पड़े आगे और जाते हैं फिर, चलो ले जाते हैं आपको कोहिमा की ओर। हाँ ये डालेगा तेल, अच्छा बंद है यहाँ पे, क्या करें फिर आगे देखते हैं। अभी ये देखो
रास्ता अच्छा गिरे बात में अभी क्या करे, अभी ऐसे ही जाना पड़ेगा फिर इतना देर तक खांसी लग गई मेरे को तो सुबह वो क्या बोले फोग के कारण से कुछ नहीं दिख रहा था, अभी धूल के कारण से क्या करे ऐसे ही अभी रुकेंगे माउ पे, चलो चलते मेरा फील है बेदी में थोड़ा डालने वाला है अभी क्या करे यहीं पर डाल के जाता हूँ भाई वहाँ पर गैस पे डालना ही है मतलब यहाँ पे पेट्रोल आया फिर 890 का गियर है अच्छा है क्या कर रहे ये हम लोग पहुंच चुके हैं कोहिमा अभी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं माउ सुबह से हम कुछ नहीं खाए थे थोड़ा पानी पी के इतना दूर तक ये पहुंच गए हम लोग अभी मारम मारम से तो क्या कहे अपने गांव है भाई इतना दूर से आ गया तो मारम तो लग रहा है अभी तो मैं घर पहुंच ही गया भाई तो अभी हो रहा है 11:47 तो हमें पहुंच गया लारूम पे लहरूम पे और कर रहे हैं खाना तक वापस जाके करेंगे क्या करें अभी खाते और फिर चलते हैं खाती और यहाँ लहरूम पे नाश्ता करके अभी निकल रहे हैं सेनापति के और मैं आज खाना तो मैं नहीं जाने वाला जाएगा मांग अपने घर मैं जाऊंगा मेरा अपना गांव पे ये रहा अपना सेनापति पहुंच गए पोछड़ी वाले क्या करते अच्छा है पहुंच गए हम लोग अब यहाँ से कंकुपी और घर अच्छा है भाई अच्छा है अभी हम लोग पहुंचेगा कंकुपी आई टी रोड और यहाँ से ये मांग जाएगा उसके घर मैं जाने वाला हूँ बस मेरा घर थे कहाँ पे तो इसको बाय बाय बोलते और चलते हैं प्रणाम बाबा जाला हाँ बोली मेरे यो हाँ मेरे कार तो ला ला बाय ला बाय बाय और गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ अपने गांव पे दिख रहा है मेरा गांव यहाँ से आते थे नहीं दिख रहे हाँ ये वाला है मेरा गांव क्या करे पहुंच गए और मेरा ये रहा मेरा गांव मेरा घर इस तरह से नीचे और यहाँ पे मेरा तवांग का ट्रिप यहीं पे खत्म करते हैं खत्म हो गया और इस ट्रिप में थैंक यू
आशिक दा अनि शरद ब्रो आप लोग को थैंक यू बोलूँगा फिर एक बार मुझे हेल्प करने के लिए इस ट्रिप को लेके। और ये व्लॉग भी मैं यहीं एंड कर देता हूँ, मैं पहुँच गया अपना गांव, क्या करूँ अब जाकर आराम करूँगा थोड़ी देर। सो स्टे हैप्पी ऑलवेज, सी यू ऑन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।